उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है, उसको लेकर आज पूरी तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी जी, सपा प्रत्याशी हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से चुनाव प्रचार आज, भाटी जी, चुनाव प्रचार आज पूरी तरीके से थम जाएगा तो उसमें आप लोगों ने किस तरह की जो ताकत है वो आज झोंक दी है। मैंने शुरू के दिन से ही, बल्कि चुनाव भी शुरू होने से 2-3 महीने पहले से मैं एक चीज़ कोशिश कर रहा था कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। ये जो पार्टियां कुछ खास तौर से बीजेपी करती है, धर्म पे, जाति पे, शराब पे, रुपए पे चुनाव ले आती है। मुझे इस बात की खुशी है कि दादरी विधानसभा का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है और मुद्दे दो महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो मीरभोज के नाम पर दादरी में हुआ, एक पूरे समाज का अपमान किया गया, अपमानित किया गया, उसके बदले में गुर्जर समाज बहुत गुस्से में है, बीजेपी को हराना चाहता है। दूसरे बच्चों की शिक्षा और रोजगार, कंपनियों पे इन्होंने बोर्ड लगवा दिए कि 200 किलोमीटर दूर तक के आदमी की भर्ती नहीं होगी, तो ये मुद्दा है। तीसरे किसानों की समस्याएं हैं, 4% आबादी के प्लॉट लटके हुए हैं, 64% मुआवजा अटका हुआ है। हमारे यहाँ जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं, फ्रीहोल्ड कॉलोनियाँ, उनको नियमित कराने का मेरा मुद्दा है। और सेक्टर सोसाइटियों में लगभग 65,000 फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनका फुल पेमेंट करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो मेरा मुद्दा है। 120 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराने का मैंने वादा किया है, सरकार बनने पे 120 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराई जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ता किया जाएगा, सरकारी कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। भाटी जी, जिस तरह से भाजपा के यहाँ पर जो है गृह मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, सीएम का भी आज दौरा है, तो क्या मानते हैं कि भाजपा के जो मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, सब ने डेरा डाला हुआ है पश्चिमी यूपी में, तो क्या मानते हैं कि यहाँ आप लोगों की जो है किससे फाइट है? अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गली गली में पर्चे बांटते घूम रहे हैं तो आप समझ लो कितने डरे हुए हैं और वो चुनाव हार रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। वो कितनी ताकत लगा लें, उन्होंने जो 5 साल लोगों को अपमानित किया, लोगों के हक मारे, उसका बदला चुनाव में लेंगे और इस सीट पे बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है। आपने यहाँ से जो है कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे कि वो लोग जो है भाजपा के फेवर में काम कर रहे हैं, तो आपने किससे शिकायत की, क्या उसका जो है रिजल्ट निकल के आया? हैं 2-3 अधिकारी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिसकर्मी निष्पक्ष हैं, ज़्यादातर पुलिस अधिकारी निष्पक्ष हैं, प्रशासन भी निष्पक्ष है। बहुत ज़्यादा हमारी शिकायत नहीं, लेकिन 2-3 लोगों से हैं जिनमें कमिश्नर भी शामिल हैं, आलोक सिंह, वे बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने उनकी शिकायत निर्वाचन आयोग में भी की है और मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। हमने जगह जगह, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूं, हम स्टिंग भी कराएंगे, अगर कहीं ये गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो बाद में ध्यान रखें, इनकी नौकरी जा सकती है, इतनी चेतावनी मैं देना चाहता हूं। आपकी लड़ाई किससे मानते हैं आप इसमें जो चुनाव में? लड़ाई तो नहीं है, लेकिन चुनाव बीजेपी से ही रहेगा। बीजेपी बहुत पीछे जाएगी, 1.5-2 लाख वोट पीछे रहेगी हमसे, लेकिन चुनाव बीजेपी में और हमारे बीच में ही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।